जिस व्यक्ति को कॉल कर रही है। पापा बिजी है लगता है। इसमें कहीं अगर सामने से गाली दी ना पापा ने कहीं बेटा कुछ कांड किया है क्या? अगर ऐसे ही अपनी बंदियों को अगर हमने बोलना हो। बंदी नहीं यार कुछ बंदे मैं भी नहीं बोल पाता हूँ। यही तो हिम्मत है भाई अपने माँ बाप को नहीं बोल पा रहे हो तो भाई तुम भाई आप बोल सकते हो। बंदे बंदी को भी नहीं बोल पाते भाई इनकी बंदियों को भी कोई और ही आई लगी बोल रहा है। तो हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। कर यार फोन नहीं करना मेरे को यार। फिर मैं क्या हिम्मत है अपने अपने बाप को नहीं बोलना मेरे को। मेरा मन है मम्मी तू सारी ना काबिलियत है तेरी। हां जब बोल रहा है जब बोल रहा है। शिल्पा को पूछो। ओ शिल्पा इधर तो आओ आ जाओ। Can you say I love you to your dad on phone call? Yeah, of course. Oh यार ये कितनी ऑसम है यार। मतलब अभी अगर आप कॉल करो तो आप बोल सकते हो उनको? बोल सकती हूँ। हैं? हाँ जी। लगाओ फोन। हाँ जी। लगाओ फोन। नहीं अभी वो लोग बाहर हैं। मतलब बाहर गए मतलब घर से बाहर गए। कहाँ से घर से बाहर? तो फोन तो लेकर गए होंगे। फोन तो लेकर गए होंगे। फोन तो लेकर गए होंगे लेकिन नेपाल में ऐसा डाटा नहीं है। डाटा नहीं है ऐसा नहीं है मतलब इधर ना 200 को रिचार्ज करो तो एक महीने चला ना। हाँ। उधर ना महंगा है। नहीं नहीं रिचार्ज तो जितने भी कर सकते हैं लेकिन 100 रुपए में ना 15 मिनट में डाटा खत्म हो जाएगा 100 रुपए का। ये क्या है? हम लोग भाई हम लोग कुछ ऐसी नस्ल है जो मतलब पूरा कॉलेज लाइफ बिता देंगे बिना बंदी के। भाई मेरे को सेक्स करना था यार। अभी टाइम नहीं है हम बिजी है यार बड़े। साढ़े तीन तक क्लासेस एक घंटा सोना है। 5:30 बजे 5 बजे हमने ग्राउंड चले आना है। 7 बज गए 7:30 बजे उसके बाद हमने घूमने चले आना है। खाना खुना खाना क्या फिक्स है? हमारा फिक्स नहीं है। हम कुछ भी करेंगे लेकिन हम खेलेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन हम रूम में नहीं रुकेंगे। लड़कियों वाली बकचोदी नहीं करेंगे भाई। जरूरत नहीं पड़ी यार अभी। जरूरत नहीं पड़ी भाई। तो हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। सेक्स की जरूरत पड़ी है लेकिन सेक्स की जरूरत पड़ती है सबको। कर लेते हैं भाई। लड़कियों की जरूरत नहीं पड़ी ना। सेल्फ डिपेंडेंट है भाई। मैंने आज तक नहीं दिया 1 रुपया नहीं दिया कभी घर किसी को नहीं दिया। किसी को भी नहीं दिया। आपके पास तो सेविंग्स होगी अभी। फिर 10 साल नौकरी कर दी किसी को पैसा भी नहीं दिया फिर भी सेविंग्स नहीं है। ऐसा करो देखो पर मैंने लिया बड़ा कुछ। मेरे पास बुलेट है वो खुद लिया। मैंने गाड़ी है मेरे पास वो खुद ली। बाकी वाइफ जो मेरी फैमिली है उनको मैं खुद देता हूँ। सेविंग्स भी कम ही करता हूँ। बापू ने जोड़े थे उनको उड़ाता हूँ। आप भी कर लो मुझे एक लड़की मिल जाए इनको। शर्म नहीं आती अपनी दुविधा के ऊपर हंसते हुए हंसता आगे सारे रो उसके ऊपर। करुण को तो पता घंटे का नहीं है बातें चाहे जो मर्जी। करुण भाई बोलते हैं क्रिकेट ही देखो ना तो एक WP वुमेन प्रीमियर लीग भी होता है उसको भी देख लो जरा उसमें भी खिलाड़ी होते हैं। तो यार अभी बैठे हुए हैं आगे सेमिनार चल रहा है कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऊपर समझाया जा रहा है। अब देखो जो सिविल इंजीनियरिंग के इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो समझ रहे हैं आगे बैठ के लेकिन हमारे जैसे जो नालायक मेहर और करुण जैसे अब जेई साहब भी हमारे साथ बैठे हुए हैं लेकिन वो जेई साहब लेकिन वो जेई साहब है उन्होंने वो काम किया हुआ जो सेमिनार में सिखा रहे हैं। हमने नहीं किया हुआ है लेकिन हम फिर भी नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हम यूट्यूब पे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। बोल इनको सब्सक्राइब करें। सुशील भाई आज आप बोलो इनको सब्सक्राइब करो। हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और सीखें कुछ हमसे। हाँ प्लीज़ नहीं खासकर इनसे खासकर इनसे सक्षम हाँ, जी से तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अभी हम यहाँ पर बैठते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। देखो ये सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हमारे ये हमारे सिविल इंजीनियरिंग सोचा पहन के ना। क्या बोला क्या बोला क्या बोला कुसी आख्या कुसी तेरे को बोला यार क्यों मेरा मन कर कहने बोल रहा वो क्या होता है पापा तेरा व्लॉग देख रहा होगा क्या क्या होता है मेरे पापा प्रोत में है। अब मैं इसको पॉइंट और होगा देख रहा अभी आए हैं यार देखो सेक्सी डिश खाने के लिए टेस्टी टेस्टी फूड। हमारे साथ आयुष भाई आए हैं सुशील भाई आए हैं पहली बार यहाँ पर और मुझे आया मुझे क्या हाल है हैं मेरा फर्स्ट टाइम है। हमने खा लिया हुआ खाना अभी हम बैठे हुए हैं पार्क में 5 जन अब चाय पे अब चाय पे नहीं अब चर्चा होगी। अब देखते हैं क्या क्या चर्चा निकल के आती है अपने अंदर से। और सुनाओ फिर गपशप कुछ करो स्टार्ट जय साहब आप ही सुनाओ अपने कुछ वहाँ की गप्पे कहाँ की जो साइट सुटी की कैसा एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे कुछ सुनाओ। याद मत दिलाओ यार
जिंदगी में ऐसा डर किसी से नहीं लगा है मुझे। कभी तो ना कभी तो नहीं लगा है डर लगा है मुझे कभी तो कभी तो लगा होगा कुछ ना कुछ ऐसे किया होगा मतलब बापू से लगा होगा। तीन चीज से डर लगता है, कुत्ता सांप और अपना बाप। डर लग जाता है सांप से। क्यों मतलब सांप तेरा चाचा है वो काटता नहीं है। ओए तू क्यों फैमिली साले अपना चाचा है नहीं है ना तभी बोला मैंने। चल मेरे को भी लगता है जानवरों में बंदर से लगता है डर, कुत्ते से तो नहीं लगता पर बंदर बंदर बड़े बेवकूफ से होते हैं। ये प्रजाति बंदरों की प्रजाति इधर बैठी हुई है। आई इधर जा बस इसको एक डूंब की कमी रह गई बाकी सारे इसके सेम है के वो फेस फीचर सारे सेम है। आज से 10 साल पहले ना एक बार मैं और अमन जा रहे थे परांठे खाने नीचे रहते थे मुलाना में तो वहाँ पे ऐसे बंदर होते नहीं है नॉर्मली पर वो एक गली जैसी थी वहाँ पे थे थोड़े से पेड़ तो वहाँ पे बैठे थे बंदर ना और मैं चला था आगे आगे और जैसे ही बंदर बंदर को पता नहीं क्या हुआ उसने मेरे पीछे ही भाग बढ़ा वो मैं भागा वहाँ से अमन अकेला ही रह गया मैं वापस रूम पहुँच गया फिर मेरे को चला है वो कम से कम 1 किलोमीटर से वापस रूम में बुलाने वाले आजा भाई चले गए अब बंदर से ही डर लगता है इतना बंदर बड़े बेवकूफ होते हैं। टी शर्ट लेके भाग गया था बंदर कुत्ते को ऐसे शू शू करेंगे कुत्ता थोड़ा समझ जाएगा नहीं बंदर ऐसे नहीं काटना है ना भी नहीं होगी उसको बंदरों को ऐसे करके दिखाना उंगली आप। जब आपकी नौकरी जिस दिन लगी थी उस दिन के पहले आपको लोग कैसे ट्रीट करते थे और उस दिन के बाद आपको कैसे ट्रीट करने लगे मतलब ओदा आपका कैसा बना? उस दिन के बाद मेरी डेजिग्नेशन बदल गई पहले मुन्नू बोलते थे फिर जय साहब हो गया पहले ऐसे बोलते मुन्नू ठीक है फिर जब मैं गया तो फिर ऐसे बोलते थे और जय साहब आ गए आप। शादी का वो कैसे हुआ मतलब लव मैरिज आपकी अरेंज मैरिज? नहीं अरेंज ही है मेरी अरेंज मैरिज ही है। क्या बड़ा आपने ऐसे उदास होके बोला बड़ा ऐसे बोलते ये चक्कर भाई ये पता नहीं ऐसे निकल गया मुझसे पर ऐसी कोई वो नहीं है निराश होने वाली बात नहीं है। सच बात है कि जो शादी का लड्डू ना खाए वो भी पछताए और जो खाए वो भी पछताए ये है। क्या तू तुझे क्या होता है ये क्या होता है जब सब तरह से सुन के आए सुनते रहते हैं जो खाया सुन सुन के वो अपना एक्सपीरियंस बता तू आप तो बता अपना एक्सपीरियंस किया ठीक ठीक ही है पहले भी ठीक था पर थोड़ा सा ऐसा होता है भी जो मौज मस्ती हम होते थे जब अकेले होते थे तब वो कहीं पे भी चले जाते थे आप शादी होने के बाद थोड़ा सा फंस जाता है वरना सात छह बजे फोन आने शुरू हो जाते हैं घर से अरे भाई बीवी बच्चे वाले हो आ जाओ घर वाले भी ऐसा ही बोलते हैं। अच्छा बीवी तो अलग से करेगी चलो उनको तो कुछ माने मार के बीवी को तो बोल भी सकते हैं पर घर वाले पहले ही बोलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा मतलब ये मतलब बीवी बच्चों वाले हो आ जाओ घर बन चो जल्दी पर हम कर ही लेते हैं पर उसके बाद जब बच्चे बच्चे हो जाएंगे तब फिर वैसे ही नहीं दिल करेगा। आपका बच्चा भी है ना? नाम क्या उसका? उसका नाम है कायान। फीलिंग कैसी होती है यार जब मतलब ऐसे जब आप बाप बनने वाले होते हो मतलब फीलिंग होती है? मेरे को तो आज तक ऐसे फीलिंग आज तक सेम ही लगी क्या हो गया बच्चों तू अपना पॉइंट मारे तब तू हंसता है आगे से। टीचर था वो बड़ा शरीफ सा उसने किसी को हाथ नहीं उठाया होना और जैसे बोलना है वो हमें भी चूल्हे में मैं और मेरा दोस्त लड़ रहे हैं तू आगे बैठ मैं पीछे बैठूंगा वो लड़ रहे हैं वो जैसे ही एंटर हुआ हमने ठीक डाली है मतलब कुछ है ना ठीक डाल है उसने पकड़ा और हमें इतना मारा भी सारे उसके बाद उससे डरने लगे वे मारता भी है बंदा मेरे साथ और बुड्ढा था बुजुर्ग बिल्कुल मोहल्ले का टीचर लगा दरविंदर सर मेरे को लगा मेरे मोहल्ले का मेरे को कुछ नहीं करेगा मोहल्ले का टीचर आया पहले दिन आया नौवीं ऊपर हॉल में क्लास चल रही थी हमारी मैं पहले सेकंड बेंच पे बैठा हुआ हूँ तो वो ना सबको पूछ रहा है कि क्या करोगे आगे लाइफ में क्या करोगे ऐसे ऐसे पूछ रहा आगे क्या क्या बनना है तो चुप करें कक्का नहीं सुना दे क्या हुआ कि वो ना अब हमारी बारी होगी वो पीछे चले गया पीछे एक बंदे को पूछने चला गया जैसे आनंद को पूछने चल गया अब मैं ना अपने बेंच से उठ के ऐसे करके देखने लगा मेरे को लगा अपना मास्टर कुछ नहीं करेगा वो तभी मुड़ा तीन चार तो पड़े मैं सोचू यार तू तो मल जाएगा रोज दिखता था मेरे को भाई रोज बिल्कुल करके पास का यार लास्ट में मुझे मारा है एक मास्टर ने गजब मारा है फिजिक्स का मास्टर था वो पढ़ाता था ना पान खा के आता था वो पान रखता था एक चबाता नहीं था वो पान को पान रखता था वो आता था ब्लैक बोर्ड में लिखाता था लिखा दिया और उसका डायलॉग था समझा घुसा दिमाग में ये दोनों एक दिन बोल रहा पढ़ा रहा था बोला समझा तो मैंने बोल दिया नहीं समझा पीछे से मैंने बोल दिया नहीं समझा उसने एकदम पोलाइटली बोला जल्दी से बताओ किसने मारा नहीं तो सबको मारूंगा मुझे लगा मजाक बोल रहा है किसी को नहीं मारेगा ये मजाक कर रहा है बाहर गया वो केबल वाला तार लेके आया
लास्ट बेंच से पीटने लगा ना, फर्स्ट बेंच तक पीटा, सबको पीटा। किसी ने बोला, किसी ने नहीं बोला, किसने बोला था मेरे में सीन हुआ ऐसे, पर एक बंदा बोल गया था यार। देखो आज भी याद, एक तो ये दोस्त इतने फुद्दू होते ना जो नाम ले लेते हैं। यार हम क्लास में बैठे हुए थे, हमारा एक टीचर था फारूक, ठीक है। अच्छा आप ही हो? उसने क्या किया, उसे बड़ा मारना यार, हमको बड़ा ज्यादा मारना। क्लास के अंदर चार लड़के होते थे, मैं, शर्मा, अखिल और क्या कहते विशाल। यार हमने ना सबसे लास्ट में बैठे होना यार। इतनी देर में क्या हुआ, वो सर ना बड़े स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। हम क्या हुआ, क्लास के अंदर बैठे हुए हैं सुशील भाई, तो क्लास खत्म हुई, वो ना बाहर गया। उस टाइम पे ना लंच ब्रेक होती थी उस लेक्चर के बाद। जैसे ही वो बाहर गया, विशाल ने क्या किया, सीटी मार गया, ठीक है। सीटी मारी और ना फारूक मास्टर के अंदर आया, उसने दरवाजा किया बंद, लंच ब्रेक थी, ठीक है। सारे बच्चे बैठ गए, जो जाओ बोलता सीटी किसने मारी, हमको पता था किसी ने बताना नहीं है, ठीक है। वो बोलता अगर किसी ने नहीं बताया ना कि सीटी किसी ने, जिसने नहीं मारी, ठीक है, तो मैं ये क्या कहते क्लास से बाहर नहीं जाने दूंगा। पूरी क्लास को हम फंस गए, माँ जो 5 मिनट हो गए यार, ये सही में नहीं बोले, सही में नहीं बोले। शर्मे की मुंडी ना आस्ता आस्ता विशाल की तरफ मुड़ी, डोसे की मुड़ी, मैंने बोल दिया सर विशाल ने वाला। विशाल विशाल को मारा, मगर किस्सा होगा। और ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं नी, आपको याद है 11th 12th में ना हमको गाइड गाइड दिया करते थे, गाइड क्या, गाइड नहीं होते थे पढ़ने वाले, एमबीडी गाइड, हाँ ठीक है। तो क्या सुनो, तो ना उस टीचर ने ना, वो फारूक सर ने हमको बोला कि ना कल आपने क्या करना है कि ना ये वाला क्वेश्चन या फिर चैप्टर याद करके आना है, ठीक है। और बच्चे बड़े डरते थे उनसे, उन्होंने बोला कि हाँ भाई याद करके आना है। अगले दिन क्या हुआ कि हम भाई बैठे हैं क्लास में, क्लास में बैठे सर आए, तो सर पूछने लगे बच्चों ने क्या किया कि वो क्लास बड़ी लंबी थी, बच्चों ने क्या किया कि वहाँ पर ना वो खोल दिया, क्या कहते हैं, एमबीडी गाइड खोल दिया पीछे। एमबीडी गाइड में से ना वो आंसर वगैरह देखने लगे, सर को पता, वो उनको पता चल गया था कि ये वाला करने लगे। एक बच्चे नलायक पैंच होते, सर ने बोला अच्छा ये बताओ, बोला एमबीडी गाइड में पता क्या लिखा हुआ था, रेफर टू पेज नंबर 63। वो सर बोलता कि, सर बोलता हाँ विच कॉन्स्टिट्यूशन इज, बोलता सर रेफर टू पेज नंबर 63। फारूक मास्टर आया, जो मारा जो मारा, डायग्राम में लिख देते, डायग्राफी का 2.6। पहले के लाइफ अच्छे थे, बच्चे के लाइफ, बचपन का लाइफ पहले थोड़ा डर से पढ़ लेते थे बच्चे। मेरा बच्चा भी बोलता है मुझे स्मार्टफोन चाहिए। भाई पहले के टाइम पे कितने गेम हुआ करते थे, वो गिली डंडा, ये तो खत्म हो गया, पिट्ठू और ये क्या, छुपन छुपाई खेली कभी, छुपन छुपाई भाई इतनी, कंचे कंचे तो खत्म हो गए, कंचे नहीं खेले, कंचे मैंने नहीं कभी खेले, मैंने खेले बड़े, मैंने, मेरे को आए नहीं खेलना कभी। वो होता था सलाई का, वो फाड़ के पोस्टर बना के पोस्टर पोस्टर खेलना, वो बनाया किसी ने, किस चीज का, पैनी का लेके संतरा डा के, संतरे का सिक्की के साथ ठल ठल, क्या ये नहीं, पैनी की बॉडी लेनी है ना, हाँ। उसके अंदर डालना है संतरे का सीकर, छिलका छिलका, हवा हवा बंद कर, हवा बंद कर देनी है उसकी, अच्छा पीछे से एक और छिलका डालना है संतरे का इतना सा, और पैन ले, सिक्की लेनी है, पैनी की रिफर लेनी है, और ऐसे करके डालो भाई, वो बजता क्या बजता था, लेते फिर संतरा, कभी ट्राई नहीं किया यार हमने, ये बहुत कराया, अपनी जिंदगी इसमें गई है भाई, गुल्ली डंडा कंचे बैगन चुर रहा था मैं खेत से, पकड़ लिया मुझे वैसे घर ले जाने के लिए। हमने पता क्या हुआ, एक बार हमारे पता क्या सीन हुआ, हमारे में संतरे का बाग था, एक उधर संतरे ना बड़ी दूर था, हम गए बैंक संतरे लेने, सर्दी का सीजन होता था, हुडीज पहनी होती थी, संतरे का सीजन हुडी पहनी होती थी सर्दियों में सीजन, उस बंदे ने क्या स्कीम लगाई उस संतरे का, उसका घर दूर था, ठीक है, मतलब कोई 100-150 मीटर दूर था। अब हमें पता था जब तक उसने आना है तब तक हमने भाग जाना है। अब उसने क्या किया कि उसने उधर रखे हुए मुर्गे, मुर्गों का वो डाल के, जब पत्ते हिलते थे मुर्गे वो चलाने शुरू होते थे, उनको सुन के वो बंदा आया था, हम चढ़े, हमने हुडी हुडी पर, हमें ये सीन पता नहीं था क्या सीन है, उधर मुर्गे बोलने लगे, उधर मुर्गे बोल रहे, हमें पता नहीं क्या सीन हो रहा है, हमने पूरे हुडी हाडी परी, उधर से मेरे को दिखे बंदा, मैं बंदा आ रहा है भाई बागो, और संतरे का पेड़ देखा अपने कंडे कंडे होते हैं, हम चढ़ जाते हैं, हम उतरे नीचे बाग के, अब एक बंदा रह गया ऊपर मुझे जैसा, ठीक है, बंदा नीचे खड़ा है, बोल रहा है आ नीचे, तो बाग गया, बोल रहा है आ नीचे, ये ऊपर खड़ा, बोलता नहीं सर अंकल जी माफ कर दो भाई, संतरे ये ले लो, माफ कर दो, बोलता तू किसका लड़का है, उसने ऐसे नाम ले दिया किसी का, मैं उनका लड़का हूँ, कहाँ पे रहता है तू, मैं सुनाड़ी में रहता हूँ, था थाती का, मैं सुनाड़ी में रहता हूँ, चल तेरे पापा के पास लेके जाना है, अंकल जी माफ कर दो स्कूल से आया हूँ, बाकी ऐसे भाई बंदा 10 मिनट तक उनका ये खेल चल रहा, अंकल नीचे खड़ा है, बोल रहे आ नीचे, वो ऊपर बैठा हुआ, वो नीचे नहीं आ रहा,
वैसे इसने निपवानी की बात की ना, वो क्या वक्त होता था जब पिकनिक जानी तो रात को ना क्या करना कि 200 रुपए का ना सामान ना अपना पूरी तैयारी पैक करके रख देना भाई। भाई वो वक्त कहाँ गया यार, वही हमने जाना था। और क्या करना वो देखा पानी की बोतल पिकनिक आ जाती थी बर्फ जमा के दे देनी। फिर ना सभी बच्चों ने क्या करना अपनी ना बोतल, किसी किसी ने अपनी रोटी लेकर आनी, किसी ने पैंट, एक पैकेट पूरे बस में घूमता था, पूरे बस में घूमता था। क्या वक्त था यार वो कसम से। आज बगल में दूसरी गाड़ी आगे निकलनी जब भाई चिल्लाना हो भाई यार क्या यार, स्कूल के साथ पिकनिक जाएंगे दोबारा जाएंगे अब मास्टर बन के जाना तो मास्टर के बच्चे के वक्त होता था यार कसम से, बच्चों के साथ जाएंगे ना अपने, टाइम टाइम की बात है पीछे लटक के। चलो यार बचपन जवानी में वो सब चीजें मिल गई जो बचपन में सोचते थे, तो क्या टेंशन है। बचपन बड़ा अच्छा था, फिर कभी कभी जब डीमोटिवेट हो जाते हैं फिर सोचते हैं कि अभी बच्चे ही हैं हम। हाँ बच्चे हैं, अभी बच्चे होंगे तो फिर तू रहने दे, तू तो बच्चा ही है। क्या टाइम था यार वो, नहाने नहाने चले जाना खड्डों में। हमारे साथ एक ऐसा साइको बंदा था ना, मतलब स्कूल से बंक कर लेना, अकेला ही ना आता रहता था, बोर्डिंग होता था ना पूरा दिन ही नहीं जाना स्कूल में। एक ऐसा साइको उसने जाना नहीं, पत्थर के नीचे रखा ना सारा सामान ना उसने, अकेले जाते जाना। और उसको ऐसे तो हमने डेली नहाना ना आते जाते, पर किसी दिन उसका मूड नहीं करना तुम जाओ मैं यही रहता हूँ, अकेले दिन पूरा दिन खड्ड में। वापस जब हम जा रहे होने तब भी उसको सड़क से दिखना भी खड्ड में बैठा है भाई, पत्थर पे लेटा है ऐसे मुझे नहाने का क्रेज होता रहा। मैं भी रोज जाता था डेली, हमारे उधर जाते थे बच्चे ने क्या किया बस बोला कुछ नहीं थोड़ी थोड़ी देर बाद नहाता रहा मैं डेली नहाता था डेली नहाता मैं डेली, हम भी डेली कोई दिन नहीं छोड़ना खड्ड में घुस जाना डेली, गर्मी और डेली ट्यूशन के बाद खड्ड में जाना। क्या मजा, तो कम से कम ना 20-25 बंदे ना रहते थे उस खड्डे में, 30-40 हर वक्त। हम तो सुबह 8 बजे चले जाते थे नहाने, स्कूल को जाते टाइम भी घुस जाना कई बार तो खड्डे में। मैं तो 5 बार दे गया हूं यार, मैं हमारे वहां पर ना इतने ज्यादा वो ये नहीं थे खड्डे गुड्डे वगैरह, मैं कभी ना नहीं पाया इतना। मैं तो 11वीं 12वीं में गया हूं, यहां तो सिखा देंगे चलो, ग्रीन वैली है चलते हैं आज फिर।